हाय दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। जिन जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का ब्लॉग मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ सूरज कुंड, जो कि हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर है। और मैं चल रहा हूँ अब आपको ब्लॉग सूरज कुंड दिखाने। तो दोस्तों, फिलहाल तो अनलॉक चल रहा है, तो मास्क पहनना ज़रूरी है। तो हम मास्क पहन कर बाहर निकले हुए हैं, तो अब चलते हैं। हम गाड़ी पे जा रहे हैं, घर ले जाइए, घर जाके पी लीजिए, मना नहीं है, दिक्कत नहीं है, पर डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ये गलत है। तो आपको ले चलते हैं सूरज कुंड के रास्ते पे। पहुंचने वाले ये आपका रोड, देख लीजिए आप। हम जा रहे हेलीपैड, जो कि हरियाणा में पड़ता है, और इस हेलीपैड पर श्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इलेक्शन विधानसभा चुनाव जब हुआ था 2014 या 15 में, तो उस समय यहाँ पे इलेक्शन के जो प्रचार थे उसके लिए यहीं पे लैंड किए थे उन्होंने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो वही मैं आपको वो हेलीपैड दिखाने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग के अंत तक।
तो फिलहाल तो ये जो सूरज कुंड का ब्लॉग था मेरा पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे बैंक्वेट है, ये देख लीजिए, ये कोरोना के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में बैंक्वेट जंगल सा, ये जंगल फोर्ट करके सेलिब्रेशन बैंक्वेट है। तो यहाँ पे एक भी देख लीजिए इंग्लिश वाइन शॉप, जो कि जाते हुए मैंने आप लोग को दिखाया था। तो हम पहुँचने वाले अब हेलीपैड, देखते हैं। ये हम पहुँच ही गए हेलीपैड, यहाँ पे मैच चल रहा है। उस साइड लेता हूँ दोस्तों, मेरा टीम का मैच चल रहा है आज। फिलहाल मेरा कुछ काम था, चक्कर में मैं आज खेलने नहीं आया। आप लोग को दिखा देना चाहूँगा वहाँ पे मैच हो रहा हूँ, वहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे बहुत एक टीम नहीं खेलती है, बहुत सारी टीम खेलती है। ये देख लीजिए, जो हेलीपैड में बात कर रहा था, ये हेलीपैड था जहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे। तो दोस्तों देख लीजिए, ये हेलीपैड, यहाँ पे तीन हेलीपैड बनाया था, तीन हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए यहाँ पे बनाया गया था। एक ये है और दूसरा ये है, तीसरा उसका पीछे है, दूर पे आपको यहाँ से नज़र नहीं आएगा, आपको दिखा देना चाहूँ। तो मैं आपको जो तीसरा हेलीपैड है वो दिखाने जा रहा हूँ, तो चलो उस साइड लेता हूँ। तो यहाँ पे क्रिकेट मैच होता है, तो आज अभी तो दो ही एक ही टीम की मैच हो रही है। कैसे ले चलो यार, यहाँ पे मैच खेल रहे हैं। हाँ ये इसी ये तो यही हेलीपैड पे नरेंद्र मोदी जी लैंड किए थे, ये देख लीजिए। मैं थोड़ा ये देखिए, तीसरा जो हेलीपैड का बात मैं कर रहा था ये है। तो दोस्तों इसका ऐसे लेकर चलो ना, तो राउंड मार लो कोई नहीं, ये तो ये तीसरा हेलीपैड ये है। तो यहाँ पे जितने भी बीजेपी के और कांग्रेस के नेता वगैरह यहाँ पे ट्रेन किए थे प्रचार, तो यहाँ पे क्रिकेट मैच चलते हुए ये जो मेरी टीम भाई, कौन सी टीम के साथ मैच हो रहा है। तो मैं आप लोग को दिखा रहा था मैच, तो मेरी टीम की मैच चल रहा था, तो काफी दोस्त लोग मेरे को बुला रहे थे खेलने। तो एक्चुअली मैं ड्रेस पहन के भी नहीं आया था, तो खेल नहीं सकता था, थोड़ी मेरी भी टीम में बहुत वैल्यू है, क्या करे, स्टार्ट प्लेयर हूँ, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, इतना भी स्टार्ट प्लेयर नहीं हूँ। स्टार्ट प्लेयर होता तो आज इंडिया टीम के लिए खेल रहा होता, या फिर पता नहीं खुदा ना खासा किस्मत सही होती तो क्या पता नेपाल की कैप्टन नहीं होता, क्या करें। क्रिकेट का बहुत शौक था, है अभी भी खेलता हूँ। तो क्रिकेट पे भी आपको इससे पहले ब्लॉग बनाया था मैंने, तो इसके अलावा मैं आपको लेदर से जब मैच होगा उसका भी मैं आप लोग आपको कभी बना के दिखाऊंगा। तो फिलहाल से ये ब्लॉग मेरा क्या हुआ, आज का कैंसिल हो गया ये सूरज कुंड का। तो आपको मैं पान ले जा रहा हूँ, ताकि सरकार ने यहाँ जो घर वगैरह बन रहा था तोड़वा दिया, जो कि गैरकानूनी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो वहीं पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये कहाँ का एरिया पड़ता है, ये सब सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश देने के बाद ये कांत एकांत हो चुका है। तो यहाँ पे यहाँ से अंदर ये फरीदाबाद का सॉरी हरियाणा का एक गांव पड़ता है, तो कौन सा गांव पड़ता है, थोड़ी गांव आदमपुर पड़ता है ये। यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो आदमपुर पड़ेगा। तो आप पानी टंकी देख सकते हैं वो सामने, और देखिए कान में यहाँ से बहुत सारे बिल्डिंग वगैरह घर बन रहे थे, तो इसीलिए देखिए रोड बना दिया था यहाँ से।
बाल था, ये रोड किसी काम के नहीं है। यहाँ पे इलीगल करार दिया है कोर्ट ने, यहाँ पे अब कोई अपार्टमेंट वगैरह बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं बनी, वरना यहाँ का बहुत मेगा प्रोजेक्ट था। यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह, कॉलेज यहाँ पे बनाने का बात हम सुन रहे थे कोर्ट से। तो क्या करें अब, जो इलीगल हो इलीगल है, क्या करें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अभी मास्क मैंने हटा दिया है क्योंकि मैं क्राउड पे नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए। तो हम तीन दोस्त हैं, ये कान पे हम फिलहाल घूम रहे हैं। तो कान का थोड़ा नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख लीजिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। अगल बगल में पूरे हरे भरे जंगल हैं, पेड़ वगैरह, फ्रेश एयर मिलती है। तो शाम को यहाँ पे बहुत सारे लोग वॉकिंग के लिए भी आते हैं, ऐसे दौड़ लगाते हैं। कुछ हरियाणा के जो लड़के यहाँ पे फौज की तैयारी के लिए इसी ट्रैक पे दौड़ते हैं, इसी ट्रैक से दौड़ लगा के प्रैक्टिस करके फौज में निकलते हैं हरियाणा से, जो फरीदाबाद पे रहते हैं। और ये अडंगपुर, खोरीगांव वगैरह के लड़के यहीं पे आते हैं दौड़ लगाने। तो दोस्तों ये एरिया इतना सही है शाम के वक्त हवा खाने के लिए, फ्रेश एयर। तो वैसे दिल्ली की हवा प्रदूषण हो चुकी है कहते हैं, तो फिलहाल तो लॉकडाउन में काफ़ी हमारे जो दिल्ली के हवा में काफ़ी सुधार आ गई है। तो मैं दिल्ली और ये हरियाणा का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम रहते हैं दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर के पास। तो मैं रहता हूँ लाल कुआ चुंगी नंबर 3 पे। तो ये सब मेरे हिमाचली दोस्त वगैरह हैं, ये काफ़ी शर्माते हैं, क्या करें, बचपन से ये शर्मीले हैं ये लोग। तो ये कुछ बोलते नहीं है, क्या करें, मैं ही पटर पटर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, व्यू तो मिल रहा है मेरे को, व्यू अच्छा अच्छा खासा व्यू मिल रहा है, जैसे कि मैं फिलहाल नया ब्लॉगर हूँ तो इतना काफ़ी है मेरे लिए 300+। फिर भी यार दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो या फिर आप लोग को पता नहीं है, ये मेरे को पता नहीं चल रहा है। अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पे रेड कलर से आपका जो आपके राइट साइड में लिखा होगा, जब आप यूट्यूब ओपन करेंगे वहाँ सब्सक्राइब करके लिखा होगा, SUBSCRIB, सब्सक्राइब, ठीक है। तो उस बटन को क्लिक कर देना जो रेड कलर से लिखा हुआ है, वहाँ पे एक बार बस उंगली से टक करके दबा देना है, ठीक है, तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और आपको जैसे कि मैं कोई दूसरा ब्लॉग, दूसरा वीडियोस वगैरह डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, तो इसके थ्रू आप लोग मेरे को फॉलो भी कर पाएंगे और मेरी जो वीडियो है देख पाएंगे, और मेरे को आप लोग की सपोर्ट भी मिलते रहेगा। सपोर्ट के साथ साथ दोस्तों शेयर भी ज़रूर कर देना, काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लोग शेयर कर दोगे। तो अब ये हम फिलहाल तो कांच में ही घूम ही रहे हैं, काफ़ी बड़ा एरिया पड़ता है कांच, लगभग आपका ये 5 किलोमीटर स्क्वायर होगा ये कांच का एरिया। तो एग्जैक्टली मुझे ही पता नहीं है, तो मेरा अपना अनुमान लगा रहा हूँ। तो आप लोग ये देख लीजिए साइड भी बन रहा था, ये रोड ही रोड है, तो देख लीजिए रोड कितना सही रोड है, जो आपका मेन रोड से है। तो ये बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे गांव में इतने अच्छी रोड नहीं होगी जितना ये जंगल के बीचों बीच ये रोड है, आप देख लीजिए। ये सरकार ने नहीं बनाई, ये प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी तो उन्होंने बनाई है, यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बन रही थी तो उन्होंने बनाई है। कितनी सही रोड है, कितनी मस्त मक्खन की तरह गाड़ी चल रही है। दोस्तों मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा ये कांत का, तो ये आप
बैक कैमरा से दिखाना चाहूंगा इसका व्यू, तो आप एक मिनट आप लोग का व्यू मैंने दिखा दिया कांत का, और आपको ये सूरज कुंड का मैंने हेलीपैड दिखा दिया, जहाँ की श्री नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन को विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए लैंड किए थे हरियाणा पे, और दिल्ली पे था उनका प्रचार। वीडियो में सपोर्ट कर देना अगले व्लॉग में भी, क्योंकि फिलहाल तो हम चल रहे हैं वापस। जो आज का प्लान हमारा जो था सूरज कुंड, जो क्राफ्ट इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो लगता है, आप गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं इंडिया का इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, तो आपको सूरज कुंड करके आपको देखा आएगा, तो जो कि हरियाणा में पड़ता है। और ये जो सूरज कुंड है दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पड़ता है, तो इसीलिए तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो क्राफ्ट उसका काफ़ी बहुत बड़ा मेला लगता है फरवरी के समय। तो जो मेरे दोस्त वगैरह भी उसमें काम करने जाते, कुछ दोस्त वगैरह सिक्योरिटी गार्ड भी करते, तो हमें तो बहुत बार बुलाया है घूमने के लिए, पर ऐसा मौका कभी नहीं मिला क्योंकि जॉब वगैरह कर रहे थे तो जाने का मौका नहीं मिला, तो हम रात को आते थे तो इसलिए कभी जाने का मौका नहीं मिला। तो कभी ना कभी एक दिन जाएंगे, तो आप लोग को इसी के बारे में बताने जा रहा था, पर क्या करें, तो अंदर घुसने की इजाज़त नहीं दिया आज हमें, क्योंकि बंद है कहा गया अंदर सूरज कुंड। अब वापस चल रहे हैं, ये रोड आप देख रहे होंगे पीछे कितनी सही रोड है, मक्खन की तरह गाड़ी चल रही है। दोस्तों अब मैं कांत का अंदर से बाहर निकल चुका हूँ, तो आप ये देख लीजिए बोर्ड वेलकम, अब आपको उल्टा दिख रहा होगा, अगर आप कोई उल्टा पढ़ सकता है तो ये देख लीजिए वेलकम यू हरियाणा टूरिज्म लिखा है, ठीक है ठीक है। तो ये जो पीछे है ये कांत है, तो ये जो रोड है ये पीछे ये दिल्ली हरियाणा दिल्ली हरियाणा रोड है, दिल्ली हरियाणा हाईवे। तो साइड जाएंगे तो साइड से आपको सूरज कुंड मिलेगा, तो आपको सूरज कुंड तो यहाँ से भी आपको दिल्ली मिल जाएगा, क्योंकि बदरपुर आपने नाम सुना होगा बदरपुर बॉर्डर, तो ये रोड आपको बदरपुर बॉर्डर ले जाएगा। तो तरफ जो रोड है मेरी दाएं तरफ ये दिल्ली ले जाएगा, जो कि कुछ होते हुए जाएगा, ठीक है। तो
दोस्तों ये पीछे कान थे, उसके बाद अब हम चल रहे वापस चले जो कि हम जंगलों के बीचों बीच होते हुए जाएंगे। तो मेरे थोड़े पीछे आपको यहाँ पे टोल भी मिल जाएगा हरियाणा का। तो दोस्तों अब मैं चला घर की ओर। तो आज का जो मेरा ब्लॉग था वो तो पूरी तरह बन नहीं पाया, तो फिलहाल अब टाइम वेस्ट क्यों करना, उस वीडियो का वेस्ट क्यों करना जो कि मैंने गाने से पहले बनाया था। तो इसलिए मैंने ये दोस्तों को कहा कि मैं अपलोड करूंगा इस वीडियो को, मैं ये वीडियो को मैं अपलोड करूंगा जो कि मैं फेल हुआ, जो कि मैं सूरज कुंड आप लोगों को दिखा नहीं पाया, बता नहीं पाया उसके बारे में। तो अब घर की ओर चले दोस्तों, चलो घर की ओर। ये जो पीछे देख रहे हैं वो तुगलकाबाद जाता है जो कि दिल्ली में पड़ता है। तो यहाँ से अब हम लेफ्ट टर्न लेंगे तो हम जाएंगे लाल कुआ। ये देख लीजिए लेफ्ट टर्न ले लिया हमने। तो ये देख लीजिए जंगल का रोड है, घर की ओर चले। तो ये जो आप जंगल देख रहे हैं ये काफी हरा भरा जंगल है। इसके बाद मैं बहुत कुछ कहना चाहूंगा पर क्या करूँ, ये वीडियो वगैरह शेयर करूंगा अपने दोस्तों को तो सही नहीं लगेगा, इसके बाद में कुछ खराब कहूँगा मैं, तो इसलिए मैं कहना नहीं चाहूंगा इस जंगल के बारे में। कहाँ से पड़ेगा मैं ये दिखाऊंगा दिल्ली और हरियाणा के एक जगह। ये जो घर है दिल्ली पड़ता है, ये सब दिल्ली पड़ता है, ये सब दिल्ली वाले घर है। तो ये चौपाल है 3 नंबर चुंगी के, ये देख लीजिए चौपाल। हम लगभग पहुँच ही गए अपने गली में, 3 नंबर पड़ता है ये अल्पा 3 नंबर। यहाँ 3 नंबर में देख लीजिए मंदिर भी है, प्रसिद्ध मंदिर है। हम पहुंच गए घर। ये गाड़ी बेच रहे हैं, कोई खरीदने वाला है तो बोल देना। ये नंबर नोट कर लीजिए दोस्तों, तो आप लोगों को मैं मंदिर दिखा देता हूँ। चलो पहुंच गए हम। फाइनली दोस्तों मैं घर पहुंच चुका हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोग के लिए मैंने बहुत कष्ट किया था इतनी गर्मी में, आप लोग के लिए मैंने सूरज कुंड का व्लॉग बनाने की वादा किया था, तो सूरज कुंड का व्लॉग बन नहीं पाया क्योंकि हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिला। तो आपको अगले ब्लॉग में मैं आपको सूरज कुंड का बताऊंगा, ये बोल नहीं सकता हूँ, वादा नहीं कर सकता हूँ, पर जब भी सूरज कुंड खुलेगा मैं आपको वहाँ का ब्लॉग बना के जरूर शेयर करूँगा। अरे मेरा एक दोस्त आ गया है जो कि दीपक है,
सिर्फ तुम कैसा आप बताइए, यही दोस्त है जो कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड साल से मेरा लग रहा है। क्राफ्ट मेला तो ये वहाँ पे हिमाचल का था जो कि बिल्कुल बेकार था। टिकट चेकर का काम करता है जो कभी कभी, तो पार्ट टाइम जॉब करता था। सूरज कुंड में फरवरी में जब मेला लगता है तो दोस्त आप बताओ वहाँ पे मेला की खासियत क्या है दोस्त? क्राफ्ट मेला है और क्या, लोगों के लिए और खासकर बंदियों के लिए। बंदियों के लिए? अच्छा, हम लौंडों के लिए क्या है? लौंडे के लिए बुद्धियाँ मिलती है एक से। चलो कोई नहीं यार, इसने मेरे को बहुत बार इनवाइट किया था सूरज कुंड मेला के लिए, तो इसके पास जो पास रहता है पास के थ्रू में फ्री में एंट्री करा दूंगा कह रहा था, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया कभी जाने के लिए, तो इसलिए कभी गया नहीं। चल ठीक है उसके पास। तो वो मेरा दोस्त है जो कि टिकट चेकर का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं टिकट चेकर है दोस्तों, तो मजाक मत उड़ाना। जो कि यहीं के दोस्त लोग हैं जिनको ये वीडियो शेयर करूँगा उसका मजाक नहीं उड़ाना बिल्कुल नहीं, ठीक है? तो फाइनली घर पहुँच गए, तो इतनी गर्मी में वीडियो बनाने गए थे, काफ़ी फेस वॉश वगैरह थोड़ी बहुत क्या था क्या करे, वीडियो बना रहा था तो वीडियो नहीं बन पाए, तो फिर भी मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो कि सूरज कुंड ब्लॉग फैन, जो कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आखिरी बार कहना चाहूँगा, मत भूलिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब करने मेरा चैनल। थैंक यू। ब्लॉग विथ मी थापा, शुक्रिया।